आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि एंड्रॉइड मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप, एसएमएस में अपनी हैंडराइटिंग से मैसेज कैसे टाइप करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह मेहरा। टीच मी डेली के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो आपने अपने एंड्रॉयड फोन में टाइप करने के लिए कई सारे कीबोर्ड टूल्स का यूज किया होगा। आज जिस ऐप के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस ऐप का नाम है गूगल हैंडराइटिंग इनपुट टूल। इस ऐप की मदद से आप अपनी हैंडराइटिंग से कहीं पर भी अपने मोबाइल में टाइप कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऐप है और आपके टाइपिंग करने की प्रोसेस को बहुत आसान बना देता है। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि गूगल हैंडराइटिंग इनपुट टूल को कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसे कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। अब आपको यहां पर सर्च करना है गूगल हैंडराइटिंग इनपुट। तो यहां पर देखिए, आपको टॉप में यह ऐप मिल जाएगा। इसे आप ओपन करेंगे और यहां पर से इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इसके इंस्टॉल होते ही आप इसे ओपन करेंगे। अभी यहां पर से आपको टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने को बोल रहा है, तो आप यहां पर से इसे ओके कर देंगे। तो यहां पर देखिए, तीन स्टेप्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला स्टेप है इनेबल गूगल हैंड राइटिंग इनपुट। तो सबसे पहले आपने इस ऑप्शन को चूज करना है। अब यहां पर से आप गूगल हैंड राइटिंग इनपुट वाले ऑप्शन को यहां पर से टिक कर देंगे। आप जिसे यूज नहीं कर रहे हैं उसे आप यहां पर से अनचेक कर दीजिए। तो जैसे आप गूगल हैंड राइटिंग इनपुट वाला ऑप्शन चूज करते हैं, अब ये यहां पर से आपको कुछ परमिशन मांग रहे हैं, तो आपने यहां पर से इसे ओके कर देना है। दूसरा ऑप्शन है डाउनलोड लैंग्वेज। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज जैसे हिंदी हो गया या फिर कोई भी दूसरी लैंग्वेज है उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप दूसरे वाले ऑप्शन को चूज कर लीजिए। तीसरा वाला ऑप्शन है सेलेक्ट गूगल हैंड राइटिंग इनपुट। तो आपने इसे चूज करना है और यहाँ पर से गूगल हैंड राइटिंग इनपुट वाले ऑप्शन को एक बार फिर से चूज कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, तीनों ऑप्शन हमने यहाँ पर से चूज कर लिए हैं। तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप यहां पर इसे ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे यहां पर देखिए, मैं एक कुछ टाइप करता हूं। तो मैंने टाइप किया था हेलो, इसके बाद मैं कॉमा लगा देता हूं। अब मैं लिखता हूं हाउ आर यू। देखिए, अगर आप इसके बीच में स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो आप यहां पर जाएंगे और यहां पर देखिए स्पेस बार दिया हुआ है। अब यहां पर से एक और स्पेस छोड़ते हैं और यहां पर लिख देते हैं यू। तो अगर मान लीजिए यहां पर से आप जो टाइप कर रहे हैं वो मैच नहीं कर रहा है, तो आप इन ऑप्शंस में से भी यहां पर से चूज कर सकते हैं। यहां पर क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इसमें इमोजी बनाना चाहते हैं तो आप इमोजी वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और यहां पर से आप अपने मनपसंद का इमोजी बना सकते हैं। जैसे देखिए, तो यहां पर से आप इसे चूज भी कर सकते हैं। तो अगर आप हिंदी में यहां पर टाइप करना चाहते हैं तो वो हम अभी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमने हिंदी लैंग्वेज यहां पर से डाउनलोड नहीं की है। तो उसके लिए आप यहां पर देखिए, थ्री डॉट्स हैं, यहां पर जाएंगे और यहां पर से सेटिंग्स वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब यहां पर से इनपुट लैंग्वेजेस में जाएंगे और यहां पर से जिस भी लैंग्वेज को आप चूज करना चाहते हैं, जैसे हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया या फिर गुजराती हो गया या फिर कोई भी दूसरी लैंग्वेज को आप यहां पर से चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर से हिंदी वाले ऑप्शन को चूज करते हैं। अभी यहां पर से डाउनलोड परमिशन मांग रहा है, तो चलिए हम इसे डाउनलोड कर देते हैं। तो यहां पर देखिए, जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है वो डाउनलोड हो रही है। तो यहां पर देखिए, जो मेरी लैंग्वेज है वो डाउनलोड हो गई है और यहां पर लिखा भी आ रहा है कॉन्फिगर लैंग्वेजेस हिंदी या इंग्लिश। अब अगर मुझे हिंदी में टाइप करना है तो मैं यहां पर से कॉन्फिगर लैंग्वेजेस में जाऊंगा और यहां पर से इंग्लिश वाले जो ऑप्शन सेलेक्ट है इसे अनसेलेक्ट कर दूंगा और यहां पर से हिंदी वाले ऑप्शन को यहां पर देखूंगा
तो ये देखिए पहले से सेलेक्ट है। अगर ये सेलेक्ट नहीं है तो आप इसे सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद बैक कीजिए और यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो ये देखिए जैसे मैंने क्या लिखा तो यहाँ पर आ गया क्या। अब मैं स्पेस देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने गूगल हैंडराइटिंग इनपुट टूल से हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप कर दिया है। अब इसे आप किसी भी ऐप में यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी वेबसाइट्स में भी यूज कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन से। तो यहाँ पर देखिए मैं फेसबुक मैसेंजर में कुछ मैसेज टाइप कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैसेज टाइप हो गया है। अगर आप टेक्स्ट कीपैड का यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसे व्हाट्सएप या फिर किसी भी दूसरी वेबसाइट्स और एसएमएस में यूज कर सकते हैं, जैसे आप अपने किसी भी दूसरे कीबोर्ड को यूज करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि गूगल हैंडराइटिंग इनपुट टूल क्या है, इसे कैसे यूज करते हैं, इसे यूज करने के क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। इसी तरीके के और वीडियोज देखने के लिए आप टीच मी डेली का यूट्यूब चैनल अभी जरूर से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन आपको इस वीडियो में कहीं पर मिल जाएगा और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो को देखने और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।